हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बटक लिफ्ट इन पोस्ट बेरियाट्रिक केसेस। दोस्तों, जब लोग ओवरवेट होते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, तो उनका जो शरीर का फैट है वो एक साल के अंदर काफी हद तक कम हो जाता है। 30-40 किलो वजन उनका कम हो जाता है, तो उस टाइम पे चर्बी तो घटती है, लेकिन उसके ऊपर की जो बड़ी हुई चमड़ी है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट होके या छोटा नहीं हो सकता है, तो वो लचकने लगती है। वैसा उनके हाथ में, ब्रेस्ट में, एब्डोमेन पे, थाइस पे, सब जगह पे होता है। वैसे ही उनकी बटक्स होती है, उसमें से भी चर्बी निकल जाने की वजह से बहुत सारी स्किन नीचे की ओर लूज हो जाती है, लटकने लगती है। बटक्स इनके लैक्स हो जाते हैं, सैगी हो जाते हैं और डिफ्लेटेड हो जाते हैं। वैसे में बटक लिफ्ट एक ऐसी प्रोसीजर है जिसको करके वो अपने बटक्स का शेप बना सकते हैं। इनमें ज्यादातर जो है बटक लिफ्ट जो है वो पार्ट एज ऑफ लोअर बॉडी लिफ्ट या बेल्ट लाइपेक्टोमी करते हुए भी आपकी बटक्स को सुधार सकते हैं। ये प्रोसीजर सेफ है, एक्सपीरियंस हाथों से अगर होती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकती है। आपके बटक्स जो नीचे लटक गए हैं, हाइजीन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं या कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी चीजें आप बटक लिफ्ट करा के ठीक कर सकते हैं। बटक लिफ्ट के साथ में आप वहां पे थोड़ा सा फैट ऑगमेंटेशन भी करा सकते हैं। बटक लिफ्ट की जो प्रोसीजर है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिशन 1 या 2 दिन रहती है और थोड़े दिनों का रेस्ट रहता है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। काफी सुंदर रिजल्ट देने वाली है जो प्रोसीजर है, ये करके आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं। बटक लिफ्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच व्हाट्सएप पे इंक्वायरी भेज सकते हैं। हमारा क्लिनिक सूरत गुजरात में है, वहाँ पे आके भी आप पर्सनली हमें मिल सकते हैं। और आपने आप कमलेश वही निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।